सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये है कच्छ की वो अनएक्सप्लोर्ड जगह जहां पे आज तक कोई नहीं आया। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मस्ताक मैक्स। और आज की कहानी कुछ ऐसी, आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं। आज का एपिसोड ये है कि हम लोग जा रहे हैं 34 किलोमीटर के कनाडा के पैदल ट्रैक पे। अभी हम स्टार्ट करेंगे जाम कुंडिया से, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रैक। यहाँ से जो ट्रैकिंग है वो होती है 34 किलोमीटर। आगे जा आपको दिखाते हैं कि कौन कौन मेरे साथ हैं और कैसे हम जाएंगे, क्योंकि 34 किलोमीटर का ये ट्रैक है। 17 किलोमीटर जाना, 17 किलोमीटर वापस आना। तो अभी यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, तो चलें। सो यस, अभी हम सभी लोग आ चुके हैं। ये हैं हमारे पांच लोग, चार लोग टोटल और मैं हूँ पांचवा। और मेरे खेते के ये पांचवी छठी बार है ना, पांचवी बार है। हम तो यार बहुत घूम चुके हैं। आज ये हमारे साथ नया है, इसकी आज हालत लगने वाली है। हनी भी आ चुका है और अबू भी नया आया है। तो अभी चलते हैं, यहाँ से हमारा होता है ट्रैक स्टार्ट और देखते हैं। हम बहुत लेट निकले हैं, पता नहीं अगली बार तो हम 12:30 तक तो वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि 17 किलोमीटर चलना नॉट एन ईजी टास्क। और एक बात ये है, अभी से पसीना आएगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी बारिश के भी चांसेस हैं क्योंकि, और कनाडा का ट्रैक हार्ड इसीलिए है क्योंकि आपको पहाड़ों में 17 किलोमीटर चलना पड़ता है लिटरली। यहाँ पे कोई बाइक नहीं जा सकती है और ऐसी टफेस्ट सिचुएशन में आपको जाना पड़ता है, इसलिए हार्डेस्ट ट्रैक है। और आज हम बहुत लेट निकले, वरना हम इस टाइम पे तो 90% कवर कर चुके होते हैं। और यहाँ पे एक आप देख सकते हो एक फॉक्स भी यहाँ पे बेचारा बैठा हुआ है। तो हाय हेलो हाय हाउ आर यू। सो असल में वो फॉक्स नहीं था, वो कुत्ता था, हमने फॉक्स बना दिया उसको। सो हम लोग अभी तो पता नहीं कितने किलोमीटर चल चुके हैं। इसका वो स्मार्ट वॉच चलो ना तेरा, इसमें स्टेप आ रहे हैं 24 घंटे। कितने स्टेप्स चल चुके हैं अपन? कोई नहीं, देखो पहले के ज़माने में लोग ऐसे निशानात यहाँ पे बनाया करते थे, जहाँ पे डूंगर में किसी इलाके, हर इलाके का अपना अलग अलग नाम होता था, क्योंकि वो ऐसे निशान दे के ऐसी कुछ चीज़ें रख के और हर इलाके का अपना एक अलग नाम दिया करते थे। तो ऐसे आज भी इलाकों के नाम है यहाँ पे, हमें नाम नहीं पता है, लेकिन हर जगह पूरी डूंगर में आपको हर इलाके का एक पर्टिकुलर नाम मिलेगा। पहाड़ों में ट्रैकिंग करना वो भी गर्मियों में इजी टास्क नहीं है। हमारी अभी जाते हुए हालत ख़राब हो चुकी है, इतना पसीना, इतना थकान हो रही है। और कल जो हम फुटबॉल मैच खेले थे, उस फुटबॉल के बाद जो पैर और पूरी बॉडी पेन कर रही है, उसके बाद ये 34 किलोमीटर चलना इज़ नॉट ईजी टास्क। लिटरली बहुत हालत ख़राब है अभी से ही। अभी तो हम वहाँ पर पहुँचे भी नहीं, वहाँ पर पहुँच के कुछ खाना बनाएंगे, मैगी लिए तो वो बनाएंगे, वो खाएंगे, लेकिन लिटरली बहुत हालत ख़राब है। कुछ ऐसे कि हम 5-6 किलोमीटर चल चुके और हमारा यहाँ पे एक ब्रेक आया, एंड हो गया। और उस तक को देख लो, हाल कुछ ऐसा है यार। सच में कल पूरा दिन फुटबॉल खेले, उसके बाद आज जो मैं इतना किलोमीटर चला हूँ, मेरी टांगें काम नहीं कर रही है, मेरी चेस्ट पेन हो रहा है। पता नहीं अभी 11 किलोमीटर कैसे चल पाऊँगा और वापस भी आना है। हालत ख़राब है भाई। बस पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, अभी 5-6 किलोमीटर और बाकी चलना। तो 60% ज़्यादा हम लोग आ चुके हैं, मुझे लगा आधे आए, और हालत ख़राब है यार शरीर में, मेरी तो बहुत ज़्यादा खराब होगी। और पहली बार फुटबॉल मैच खेले हैं उसकी तो बात, फुटबॉल पूरा दिन जी, क्योंकि उस पर जो लिटरली चेस्ट पेन कर रहा है और बोला इससे अभी एनर्जी सूझ रही है, लेकिन मेरी एनर्जी डाउन है। पहली बार मैं कोई इतने ट्रैक में इतना जल्दी थक चुका हूँ, क्योंकि बहुत हालत खराब। वो पत्थर है जहाँ पे लोग अपने नाम लिखा करते थे, हम 2 साल पहले आए तो हमने अपना एक नाम लिखा था। यहाँ पे हर पत्थरों पे लोगों ने पता नहीं कैसे क्यों अपने नाम लिखे, लेकिन हर किसी ने अपना नाम रखा है। हमने लास्ट टाइम किया था वहाँ पे लिखा था ना, देखो हर पत्थर पे कुछ ना कुछ लिखा है। लाइक ऐसे ही लोग यहाँ पे अपनी याद में नाम लिख के जाते थे। हम लोगों ने पता नहीं बारिश होगी इतनी बार, इसके बाद इतनी बारिश हुई पत्थरों में, जल्दी मिट्टी नहीं है, लेकिन ये यहाँ लिखा था हमने। ये मैंने मैक्स लिखा था, ये देखो एम डबल एक्स मैक्स, और यहाँ क्या देखा, और वो रहा तालाब, ये रखे था लिखा हुआ था ये यहाँ पे। सो फाइनली इतना चलने के बाद हम पहुँचे हैं पहले तालाब के पास, ये नाथराई वाला तालाब है। और इस तालाब पे हाथ मुँह धोएंगे, पानी भी पियेंगे, और ये दृश्य सभी खुश लग रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद हमें पानी रिसीव हुआ है, नेचुरली एडेड मिनरल्स। Oh.
सो अभी हम लोग इस व्लॉग की एंड तक आते जा रहे हैं क्योंकि हम आ चुके हैं नाथराई के मशहूर तालाब पे, और ये है नाथराई का मशहूर तालाब। और यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे, हम जाके उस पेड़ों के नीचे जो वहाँ बैठेंगे। हनीफ, ये जगह याद है तुम्हें? हाँ भाई, हनीफ कब से पूछ रहा था वो पेड़ कब आएगा, वहाँ पे हम लोग बैठ के बातें किया करते थे। और ये है वो मशहूर पेड़, फेवरेट जगह है मेरी भाई, यहाँ हमारे अबू फोटो लेते हुए। और बस एक व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, अब दूसरा व्लॉग होगा सीधा किरणों पे स्टार्ट, तो जुड़े रहे हमारे साथ। बाय, किसी को आना हो तो यहाँ पे आ जाए। हाँ, हमारे बिना आप नहीं आ पाओगे, आपको बताना चाहिए जो जगह है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें इस वीडियो को, और कश के ऐसे और प्लेसेस दिखाते रहेंगे हम। बस यहाँ तक था जो था।